डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट जो हमारा है एंटोमोलॉजी, उसका टॉपिक है आपका आज का इंसेक्ट लार्वे, के इंसेक्ट लार्वे की कौन सी टाइप्स जो हैं आप ने पढ़नी है। ये हमारे पास जो आपके पास नोट्स हैं उन पे ज़रा देख सकते हैं कि पहली जो टाइप है इंसेक्ट लार्वे के टाइप्स, पहले हमने पढ़े थे एग के टाइप्स, अब है लार्वे के टाइप्स। लार्वे के टाइप में है उसका पहला है कैम्पोडिफॉर्म लार्वा, ये लार्वे ज़्यादा हो तो लार्वे कहते हैं। दीज लार्वे हैव एन इलांगेट एंड फ्लैटेंड बॉडी, यानी कि इलांगेट और प्लेन बॉडी होती है विद लॉन्ग थोरेसिक लेग्स एंड, यानी कि थोरक्स के ऊपर जो लेग्स हैं वो लॉन्ग होती हैं एंड यूजली विद सरसई ऑन द एंड ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन के एंड के ऊपर जो आउट ग्रोथ्स होती हैं, अपेंडेजेस होती हैं, उनको हम सरसई कहते हैं। ये भी मौजूद होती हैं इनमें। डाइविंग बीटल्स हो गए, ड्रोव बीटल्स हो गए, कैडिसफ्लाई, नर्व विंग इंसेक्ट, तो ये इनके एग्जाम्पल है। अगर आपने ऑर्डर्स पढ़े हैं तो बीटल्स वगैरह ये आपको मालूम होंगे कौन से ऑर्डर में आते हैं, ठीक है, तो उनसे ही आपको मालूम हो जाएगा कौन में बीटल्स में जो है ये लार्वे को कंप्यूटिफॉर्म लार्वे होते हैं। ये इनकी शेप के ऊपर है कि जिस शेप के लार्वे होंगे उसी से इनका नाम रखा गया है। कैराबाई फॉर्म लार्वे है, दिस लार्वे हैव सिमिलर टू द कैम्पोडिफॉर्म लार्वे, जिस तरह वो हैं सेम है टाइप, बट द थोरेसिक लेग्स आर शॉर्टर, इनमें थोरेसिक लेग्स जो है वो शॉर्टर होते हैं। दे हैव फ्लैटेंड बॉडी सेम जिस तरह इनमें पहले में थी एंड द सरसाई इज एब्सेंट, अच्छा इनमें सरसाई जो है वो मौजूद नहीं होते जबकि इनमें सरसाई हैं। दे हैव फ्लैटेंड बॉडी सरसाई एब्सेंट ऑन द एंड ऑफ द एब्डोमेन, ग्राउंड बीटल्स हो गए, लीफ बीटल्स हो गए, फेयर फ्लाइज हो गए, ठीक है, इनके जो लार्वे होते हैं उनको हम कैराबाई फॉर्म कहते हैं। थर्ड है रूसी फॉर्म लार्वे, दीज लार्वे है और सिलेंड्रिकल हैव सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, हैविंग वेल फॉर्म्ड ही हेड थोरेसिक एंड एब्डोमिनल प्रोलेग्स, अच्छा इनमें एब्डोमिन के अंदर जो है एब्डोमिन में जो है प्रोलेग्स भी इनमें होते हैं, यानी कि थोरेसिक लेग्स भी होते हैं एंड वेल फॉर्म्ड हेड होता है इनमें, ठीक है। तो बटरफ्लाइज हो गए, लार्वे में जो है एब्डोमिनल लेग्स, आपको पता है कि लार्वे जो हैं, लार्वे की जो शेप आ जाती है उनमें जो लेग्स है उनकी एब्डोमिन में भी पाए जाते हैं। तो इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं जिस तरह लार्वे कैटरपिलर होता है बटरफ्लाई का, मॉथ हो गए, सॉफ्लाइज हो गए, तो ये उनको हम क्या कहते हैं, इरूसी फॉर्म लार्वे। तो ये आगे तस्वीर आ गई, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें शेप से ही उनका नाम रखा गया, जिस तरह कैम्बोडी फॉर्म था फ्लैटेंड बॉडी है, ठीक है, एलोंगेट है इस तरह, ठीक है, एलोंगेट यानी कि जहाँ से थोड़ा सा जो है इनका चौड़ाई ज़्यादा होती है बीट जो है इनकी लार्वे की साइज़ की, तो इसको जो है एलोंगेट एंड फ्लैटेंड बॉडी कहते हैं। फ्लैटेंड यानी कि प्लेन जिस तरह सर्फेस हो उसके ऊपर, कैराबाई फॉर्म को देख लें आप, एलोंगेट भी है और प्लेन भी है, ठीक है। ये सरसाई देखें, इनमें सरसाई है, यहाँ पर सरसाई नहीं है, इनको आउटग्रोथ जो ये दो हैं इनको हम सरसाई कहते हैं, ठीक है। इनकी लेग्स देखें आप, थोरेसिक के ऊपर जो लेग्स हैं ये लॉन्ग है, इनकी देखें शॉर्ट है, तो लाजमी उनके आप तस्वीर से ही मालूम हो जाता है। फिर है रूसी फॉर्म जो कैटरपिलर हो गए, जिसको हम लार्वे कहते हैं, इनके बटरफ्लाई हो गए, तो इसमें देख सकते हैं इनके जो एब्डोमिनल लेग्स हैं, ये एब्डोमिन वाला पोर्शन है, यहाँ पर भी उनके प्रोलेग्स मौजूद हैं, तो ये इनको एरूसी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्कैराबाई फॉर्म, स्कैराबाई लार्वे, दीज आर सी शेप्ड, द बॉडी सिलेंड्रिकल विद है वेल डेवलप्ड हेड एंड यूजली पोसेस थोरेसिक लेग्स, यानी कि थोरेसिक लेग्स मौजूद हैं बट नो एब्डोमिनल, इनमें एब्डोमिनल लेग्स नहीं होते। ड्यूरिंग डंग बीटल्स हो गए, पल्स बीटल्स हो गए, मे फ्लाइज हो गए, बीवल्स हो गए, इनके जो लार्वे होते हैं उनको क्या कहते हैं, स्कैराबाई फॉर्म कहते हैं। फिर हमारे पास है इलेट्री फॉर्म लार्वे, दीज लार्वे आर सिलेंड्रिकल स्मूथ एंड टफ स्किन, इनकी स्किन जो है टफ होती है। इलेट्री जो है ना, इलेट्री का मतलब है एक टफ, जो बीटल्स के ऊपर जो उनके विंग होते हैं उनको भी हम इलिट्रा कहते हैं। इलिट्रा मीन्स उनके टफ लेदर लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो इलेट्री फॉर्म से आपको मालूम होना चाहिए कि इनकी जो बॉडी हार्ड होती है, टफ स्किन होती है, बॉडी थिन एंड एलोंगेट विद शॉर्ट थोरेसिक लेग्स, दे आर नेम्ड आफ्टर लार्वे ऑफ क्लिक बीटल्स, यानी कि इनमें क्लिक बीटल्स के जो लार्वे हैं उनको हम कहते हैं इलेट्री फॉर्म बीटल्स, मोस्टली जो बीटल्स होते हैं उनके लार्वे होते हैं, ठीक है। प्लेटिफॉर्म लार्वे, द बॉडी ऑफ दीज लार्वे इज ब्रॉड एंड फ्लैट विद शॉर्ट और नो लेग्स, यानी कि शॉर्ट और इनमें या तो शॉर्ट होंगे या बिल्कुल लेग्स नहीं होंगे। सरफेड फ्लाइज हो गए, ब्लिस्टर बीटल्स हो गए, सम कैटरपिलर्स हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपने याद रखनी है। मेरी वर्मी फॉर्म लार्वे, दिस लार्वे आर वार्म लाइक, लाजमी है नाम से याद नाम से ही उसमें आप मालूम कर सकते हैं कि वर्मी फॉर्म है, तो दीज आर वार्म लाइक होते हैं। द बॉडी सिलेंड्रिकल एलोंगेट, मोस्टली जो है इनकी बॉडी सिलेंड्रिकल एलोंगेट होते हैं, नैरोइंग इंटीरियरली, यानी कि इंटीरियर जो है फ्रंट से जो है ये नैरो हो जाती है एंड विदाउट लेग्स, इनमें लेग्स नहीं होते। हनी बीज हो गए, फ्लीज हो गए, फ्लाइज और वास्प, वुड बोरिंग बीटल्स जो हो गए, इनके लार्वे जो है इनको क्या कहते हैं, वर्मी फॉर्म, यानी कि वार्म लाइक होते हैं, इनके लेग्स नहीं होते। यहाँ पर हम तस्वीर में देखते हैं
यहाँ पे पिक्चर पे देखें, स्केलाबाइफॉर्म देखें, ये सी शेप था स्केलाबाइफॉर्म हमने पढ़ा था, ठीक है, ये उसमें आपको मालूम हो सकता है। यहाँ पर देखें थोरैक्सिक लेग्स भी हैं इनकी, ठीक है, इलिट्री फॉर्म है ये, देखें ये कैटरपिलर्स के लार्वे हैं, तो इनके ऊपर जो है एक स्ट्रिंग्स भी होती हैं जो इनको स्किन को हार्ड बनाती है, उनकी स्किन भी हार्ड होती है, इनको हम कहते हैं इलिट्रिक बीटल्स। क्या ये वर्मी फॉर्म देखें, ये वार्म लाइक है, यहाँ पर इनकी लेग्स बहुत शॉर्ट हैं या बिल्कुल होती नहीं है, ये सिर्फ इसी से ही जो है मूवमेंट करती हैं इनकी। तो ये इस हाउस फ्लाई का जो है उन्होंने एक लार्वा दिया है, इसको हम क्या कहते हैं वर्मी फॉर्म। तो ये था टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आपके पास नेक्स्ट टॉपिक जो है ये लार्वे के टाइप्स तो और भी रहते हैं आपके, आई थिंक वर्मी फॉर्म है। उसके बाद ये इमेच्योर स्टेजेस हैं आगे, लार्वल स्टेजेस जो हम कहते हैं इमेच्योर, तो ये कैटरपिलर्स हो गए, सेमी लूपर्स हो गए, बहरहाल वो लार्वे के टाइप्स आपने याद रखनी है। ये जो हैं इनको भी अगर आप देख लें तो अच्छा है, लेकिन फिलहाल जो है ये हो रहा है 4 1 2 3 4 1 2 3 कॉमन नेम्स ऑफ इमेच्योर लार्वे लार्वल स्टेजेस, यानी कि इमेच्योर लार्वल स्टेजेस के जो कॉमन नेम्स हैं वो आपने यहाँ पर देख लेने हैं। इमेच्योर जो होते हैं यानी कि एमेटाबोला जो हो गए जिनमें विंग्स नहीं होते आर कॉल्ड, उनका निम्फ कहते हैं। लार्वल स्टेजेस ऑफ ऑर्डिनेटा ये जो ऑर्डर हैं आर कॉल्ड नाइएड्स, इनको नाइएड्स कहते हैं। लार्वल स्टेजेस ऑफ लेपिडॉप्टेरा आर कॉल्ड कैटरपिलर्स, जो लेपिडॉप्टेरा हेमिनॉप्टेरा के होते हैं उनको हम कैटरपिलर्स कहते हैं। दे आर रूसीफॉर्म टाइप, ठीक है, सम ऑफ द लेपिडॉप्टेरा लार्वे आर सेमी लूपर्स एंड अदर लूपर्स, इन ये उनके नेम्स हैं जो आपने याद रखने हैं। लार्वल वो तो हमने की थी, जो पहले हमने की है बात वो है लार्वे के, ठीक है, उनके टाइप्स हैं लार्वे के, उनकी शेप के ऊपर बात की गई है, ठीक है, कि यानी कि अगर कोई लार्वा है तो उसकी शेप किस तरह है, तो आप कहेंगे वर्मी फॉर्म शेप है, वर्मी फॉर्म लार्वा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है